अस्सलाम वालेकुम। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा कटलेट। ये बनाने में बहुत आसान है और ये बच्चों के टिफिन में भी दिया जा सकता है। कप रवा, एक कप मिक्स वेजिटेबल, मैंने यहाँ पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लिए, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, एक उबला आलू और धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के बजाय आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पैन को गर्म करके हम उसमें रवा डालकर उसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे और उसमें 1.5 कप पानी मिक्स करके 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ढककर उसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पक जाने के बाद उसे ठंडा करने के लिए हम प्लेट में रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद उसमें हम उबला हुआ आलू मैश करके डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम उसमें कटी हुई सब्जियों को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों को मिक्स अच्छे से करने के बाद उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम हरी मिर्ची का पेस्ट और सभी सूखे मसालों को मिक्स करके एक बार फिर अच्छे से गूंद लेंगे। सभी मसाले अच्छे से गूंद जाने के बाद अब उसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद कर उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ऊपर से धनिया डालकर मिक्स करके उसे एक बर्तन में हम निकाल कर फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल कर उसे अपने मनपसंद साइज में काट कर उसे शैलो फ्राई करेंगे। से हम उसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह हम अपने सभी कटलेट फ्राई करके गर्मा गर्म चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे।